मंत्र विभाग। मित्रों, मंत्र विभाग में आज मैं आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसमें जन्म कुंडली में यदि चंद्र सप्तम स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में कहा गया है। यह मंत्र इस प्रकार से है, विमल वपुषे चंद्रे सप्तमस्थे मनुष्यो रुचिर युवती नाथ कांचनाड्यो सुदेही शशिनी कृष शरीरे पापने पाप दृष्टे न भवति सुख भागी रोगी पत्नी पति स्यात्। अर्थात जिस जातक की कुंडली में चंद्र सप्तम स्थान में शुभ फल देने की स्थिति में होता है ऐसा जातक अपने मन पसंद जातक के साथ विवाह करने में सफल होता है, भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक सुवर्ण सोना और धन से सुखी होता है और ऐसा जातक सुदेही सुंदर और स्वस्थ शरीर वाला होता है। यदि सप्तम स्थान में चंद्र अशुभ फल देने की स्थिति में होता है तो ऐसा जातक दुखी होता है और ऐसे जातक का जीवन साथी गंभीर रोग से पीड़ित होता है। दर्शकों, मंत्र विभाग में आज मैंने आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताया जिसमें कुंडली में यदि चंद्र सप्तम स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में कहा गया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको दैनिक राशिफल बताया, घरेलू समस्या दूर करने का उपाय बताया, मंत्र विभाग में आज हमने और एक नए मंत्र के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ आज बताई गई सभी बातें आपको दैनिक जीवन में वास्तविक रूप में उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं भावेश विजय कुमार दवे आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।